बीएड प्रथम वर्ष में अध्ययनरत परीक्षार्थियों के लिए स्कूल इंटर्नशिप के लिए कब अलॉट किए जाएंगे? इसी के साथ में आप यदि इच्छित स्कूल में इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो आप इंटर्नशिप के लिए इच्छित स्कूल किस प्रकार से प्राप्त करें? अपने ब्लॉक में किन किन स्कूलों में इंटर्नशिप के लिए सीटें खाली हैं, इसकी जानकारी भी आप यदि पहले से जुटा पाते हैं तो आपके लिए यह और भी आसान हो जाता है कि आप अपने इच्छित विद्यालय में इंटर्नशिप कर पाएंगे। इसी के साथ में क्या आपको सीनियर सेकेंडरी या सेकेंडरी स्कूल ही इंटर्नशिप के लिए मिलेगी या फिर आप प्राइमरी या मिडिल स्कूल में भी इंटर्नशिप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इस संबंध में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं आज इस वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पर पहले बार विजिट कर रहे हैं तो बीएड और बीएचटीसी से जुड़ी हुई तमाम जानकारी समय पर हासिल करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि साथियों राजस्थान के बेरोजगार शिक्षार्थियों को समर्पित इस चैनल पर हम आपको इससे जुड़ी हुई तमाम खबरें सबसे पहले लेकर आने का प्रयास करते हैं। अब हम बात करते हैं बीएड फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए इंटर्नशिप की। जहां तक फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट हैं उनके स्कूल इंटर्नशिप के लिए बात करें तो अभी आपका इस संबंध में किसी प्रकार का कोई रमसा की वेबसाइट पर शेड्यूल जारी नहीं हो पाया है अभी तक, लेकिन इतना ज़रूर है कि अगले माह नवंबर माह के फर्स्ट वीक में पूरे चांसेज हैं कि आपको स्कूल इंटर्नशिप के लिए जो शेड्यूल है वो आपका जारी कर दिया जाए, अर्थात आपसे नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में च्वाइस लॉक करने के लिए कहा जाएगा, जिसमें आप शेड्यूल के अंतर्गत चेक कर सकते हैं। आपको सबसे पहले अपने कोर्स को चूज करना है, इसके बाद में जिस ईयर में आप फर्स्ट ईयर में अध्ययनरत हैं उस ईयर को सेलेक्ट करें, इसके बाद में आप जिस राउंड के अंतर्गत शामिल हैं तो फर्स्ट ईयर वाले जितने भी स्टूडेंट हैं वो फर्स्ट राउंड के अंतर्गत ही आएंगे, क्योंकि अभी तक जो सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी फर्स्ट राउंड के अंतर्गत ही स्कूल मिल चुकी है। उनके जो स्कूल अलॉटमेंट है वो अभी हाल ही में 27 अगस्त को किया गया है। इस संबंध में उनको जो नोटिफिकेशन दिया गया था वो 10 जुलाई को दिया गया और उन्होंने अपनी च्वाइस भर करके और 26 अगस्त तक वेबसाइट पर ऑनलाइन अपलोड की थी। 27 अगस्त को उनको स्कूलों का फर्स्ट राउंड के अंतर्गत अलॉटमेंट हो चुका है, लेकिन बीएड वाले फर्स्ट ईयर में अध्ययनरत जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनका फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग है कॉलेज अलॉटमेंट के लिए स्कूल अलॉटमेंट के लिए, तो फर्स्ट राउंड स्कूल अलॉटमेंट उनके जो शेड्यूल है वो शीघ्र ही नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में आपका जारी कर दिया जाएगा और मंथ के लास्ट तक आपको इंटर्नशिप के लिए स्कूल भी अलॉट हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि आप अपनी डिजायर की स्कूल चूज कैसे करेंगे। इसके लिए आपको जो रमसा की वेबसाइट है उस पर जाना है और इस वैकेंसी लिस्ट टैब को ओपन करना है। इसको आप जैसे ही ओपन करेंगे इसके बाद में आपको डिस्ट्रिक्ट चूज करना है, जिस ब्लॉक में वो स्कूल स्थित है उस ब्लॉक से रिलेटेड सभी स्कूल आपके सामने आ जाएंगे, तो आप उस ब्लॉक को चूज करें, अपने कोर्स को चूज करें, आप बी एड कर रहे हैं तो बी एड, डी एल एड है तो डी एल एड, इसके बाद अपने ईयर को चूज करें, फर्स्ट राउंड इसके अंदर का सेलेक्ट करें, इसके बाद आपको चूज करना है कि आप मिडिल स्कूल में इंटर्नशिप करना चाहते हैं या सीनियर सेकेंडरी सेकेंडरी में, तो आप जिस भी स्कूल को चूज करेंगे तो इसके बाद में आपके सामने आपके ब्लॉक में जितनी भी स्कूलें हैं, यदि सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी चूज करते हैं तो सीनियर सेकेंडरी सेकेंडरी मिडिल प्राइमरी चूज करते हैं तो मिडिल प्राइमरी की तमाम वो स्कूलें आपके सामने आ जाएंगी जहां पर इंटर्नशिप के लिए सीटें वैकेंट हैं। कितनी सीट वैकेंट हैं ये भी आप यहां पर देख पाएंगे, प्रत्येक स्कूल में आपको दिखाया जाएगा कि ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल है इसमें 2 सीट वैकेंट हैं, इसके अलावा ये सेकेंडरी स्कूल है जिसमें 4 सीटें अभी भी वैकेंट हैं। तो आप इस प्रकार से अपनी जो डिजायर की स्कूलें हैं उनको चूज कर सकते हैं और उनमें निकटतम स्कूल में जाकर के आप अपनी इंटर्नशिप पूरी कर सकते हैं। अब एक बड़ा सवाल है जो प्रत्येक बीएसटीसी और बीएड करने वाले परीक्षार्थी के सामने है, इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि क्या बीएड करने वाले जो परीक्षार्थी वो प्राइमरी या मिडिल स्कूलों को चूज कर सकते हैं, इसी के साथ में डीएलएड करने वाले परीक्षार्थी क्या सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्कूलों को चूज कर सकते हैं। देखिए जितने भी बीएड करने वाले परीक्षार्थी हैं वो मिडिल स्कूलों को चूज कर सकते हैं, बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जो फिलहाल बीएड की जो इंटर्नशिप है वो मिडिल स्कूलों में कर रहे हैं। ये डिपेंड करता है आपके सीडीओ ऑफिस के ऊपर कि वहाँ पर
आप जैसे ही अपडेट कराते हैं तो इस स्कूल में यदि इंटर्नशिप के लिए सीट वैकेंट है तो वो स्कूल आपको इंटर्नशिप के लिए अलॉट हो जाएगी। इसमें कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, अर्थात आप इसके लिए मिडिल स्कूल भी चूज कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। यदि सीट वैकेंट आपको दिख रही है, स्कूल आपके नज़दीक है, तो आप उस स्कूल को अपनी प्रायोरिटी में ज़रूर रखें। इसमें किसी भी प्रकार का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। अब कई साथियों का क्वेश्चन है कि बीएड फर्स्ट ईयर में, बीएसटीसी फर्स्ट ईयर में कितनी मिनिमम अटेंडेंस होना ज़रूरी है, अर्थात कितने वर्किंग डेज तक जाना ज़रूरी है। इसी के साथ फर्स्ट ईयर में इंटर्नशिप कितने दिन की होती है, सेकंड ईयर में इंटर्नशिप कितने दिन की होती है, इस संबंध में हम इस सीरीज़ की जो अगली आने वाली वीडियोज़ है उनमें विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। इन तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच जाए और आप एक भी वीडियो मिस ना करें। आज की सीरीज की इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार। सब्सक्राइब कीजिए ज्ञानधारा हर्षोली चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोज आपको सबसे पहले मिले।